स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारी नाजो की है एनिवर्सरी, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं तैयारियां। और तैयारियां क्या है, बस ये कि डेकोरेशन करना था वो कर लिया है, नॉर्मल सा किया, सिंपल सा बहुत प्यारा वो कर लिया है। घर में थोड़े थोड़े से काम थे जो कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान में रिवाज है और फ़र्ज होता है हर किसी पे कि वो जब भी ऐसा खुशी का मौका हो या कोई गम का हो, और उसमें फिर सब मोहल्ले वाले सब अच्छे प्यारे दोस्त मिल के तो वो काम कर लिए। अब आगे का काम हमारा ये है कि हम लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी सी परियाँ उनके तैयार होके हम लोग फंक्शन अटेंड करेंगे। तो पहले जो है तो भूख है ख़त्म थोड़ा सा और उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ से होता है तैयारियों का सिलसिला स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह काम जो थे वो काफ़ी टाइम पहले के स्टार्ट हो चुके हुए थे, पर जैसे जैसे लोग इकट्ठे हो रहे थे नाश्ता और ये वो सारे काम करते करते सब यहाँ बारी बारी पहुँच गए और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सारे काम किए। और ये व्यू, आई लव इट, मुझे ये व्यू इतना कुछ पसंद है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। नाइट व्यू भी आगे दिखाऊँगी, बहुत प्यारा इसका व्यू है। तो जी, हमारे जो काम तो कुछ नहीं होते, बस प्यार मोहब्बत ही होता है और ये टाइम गुजरता है और ये याद रहता है कोई भी अच्छे मौके पे। तो हम लोग सब इकट्ठे बैठे हुए थे, थोड़ा थोड़ा घर खाली किया ताकि नाजो का अच्छे से फंक्शन हो जाए, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो चीज़ें इधर से उधर होते हुए देर नहीं लगती थी। ये देखिए व्यू कैसा है, बहुत प्यारा है। तो जी, फिर हम लोगों ने किए काम ख़त्म करके हम लोग बैठे और फिर हमें जल्दी हो गई थी कि हम लोग फिर से वापस घर जाएं, क्योंकि घर जाके फिर जो हम लोगों ने अपनी खुद की भी तैयारियां करनी थी। तो काम जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने वाले थे और जो इकरा थी वो डिकोर कर रही थी, ये इसके ज़िम्मे था काम। और यहाँ पे जो आयशा जी हैं वो लगा रही थी झाड़ू और ये नाजो सबको बता रही थी कौन कहाँ पे क्या काम करेगा। तो वो हम लोग अपने अपने काम कर रहे थे। तो जी, ये है इकरा साहिबा जिन्होंने डिकोर किया। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसने किस तरह का डिकोर किया है। पिंक और सिल्वर में था, बहुत प्यारा डिकोर किया। और सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत बात ये कि ये मोहब्बत से किया हुआ डिकोर है, तो ये सबसे प्यारा है। तो जी, ये देखें काम शाम अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे हमारे हो गए। हम फरी हो गया था, फिर हमने कहा भागो तैयार होने के लिए। तो अनम भी आई हुई है, मैं भी हूँ, आयशा जी भी हैं और इकरा भी है, नाजो भी है, चची भी है, मोना भाजी भी है और गली के सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। काम ख़त्म हो गए, बस अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग पेंटिंग पेंटिंग अब हम लोग प्यार होंगे प्यारे प्यारे से। ख़त्म ओए ख़त्म पढ़ने आना, ये हमारी प्यारी सी नाजो है, इसकी एनिवर्सरी है, इसके मोटापे पे ना जाना, ये बहुत प्यारी, बस ये कार्टून फेस में थोड़ी मोटी लग रही है वरना ये बहुत प्यारी है भाई नाजो। तो ये भी प्यारी सी तैयार होगी, हम भी प्यारी प्यारी तैयार होंगी और फिर हम क्या करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, पिक्चर लेंगे और बनाएंगे। और अभी आयशा जी नहीं आ सकती जिसमें, क्योंकि अभी दो लोगों का ही फेस चेंज हो सकता है। कैसा तैयार होना है, किस किस ने तैयार होना है? बहुत प्यारा, इतना ज्यादा प्यारा। तो बाल कब दोगी तुम? अभी करूंगी। कितने बजे, किस टाइम? आयशा ने तो डांस भी करना है। हाँ, आयशा बहुत प्यारा डांस करती है, आयशा ने डांस करना है, मैं आप लोगों को इसका डांस भी जरूर दिखाऊंगी। और ये आयशा की बहन है, सामने आओ, सामने आओ, मेरे बचपन में ऐसे बाल होते, सामने खड़ी हो, बिल्कुल सामने आओ, ऐसे अभी। फिर किस तरह का तैयार होना है, सिंपल या हैवी? हैनी है। इसने बहुत हैनी तैयार होना है, नॉट अ हैवी। इसने कहा है कि इसने हैनी तैयार होना है। और तुमने तैयार होना है कि ये बाल ऐसे ही रखेगी? तो जी, उधर काम शाम जो है वो थोड़े ख़त्म हो गए, अब मैं बना लूँगी शेक, क्योंकि बहुत दिल का है शेक पीने का। तो जी, मज़ेदार शेक बन चुका था, मेरे से थोड़ा सा ही आया, पर चलो ठंडा ठंडा शेक सबको पिलाया क्योंकि गर्मी गर्मी भी लग रही थी। फिर मैंने लगाई नेल पॉलिश, अल्लाह की तरफ से ये मुझे नेल पॉलिश हमेशा मिल जाती है किसी अच्छे मौके पे, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। हैवी नेल पॉलिश मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं, पसंद है पर कभी कभी।
तो हम लोग तैयार हो चुकी हैं, अब हम लोग जाएंगे सालगिरह जहाँ पे है, मतलब एनिवर्सरी जहाँ पे, अब हम वहाँ जाएंगे। चले आए चलते। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को नाइट व्यू दिखाऊंगी, तो ये देखें बहुत प्यारा नाइट व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। वैसे ऐसे देखा जाए तो आय हाय है। तो ये जो थी ये तैयार हो चुकी थी ट्रॉली, इस पे रखना था केक और बच्चों को हटा रहे थे कि जी पीछे हो जाओ, इसको ख़राब मत करो। पर आपको पता तो है कि बच्चे किसी भी चीज़ से दिखते नहीं हैं, और ये मैम। तो ये हमारी मस्तियाँ जो कि मस्त लड़कियों ने करनी होती है। इनकी है एनिवर्सरी, प्यारों की आ गई है, सबसे प्यारी लड़की है, सबसे। सादिया की गलती नहीं है, सादिया थोड़ी सी पागल है, ये ऐसे ही काम करती है, या तो बाल पकड़ लेती है या तो पाँव पे पाँव मारने लग जाती है। तो जी केक आ गया, केक भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है केक। ये जो कुछ लोग ख़ास तौर पे ऐसे पिक्चर्स लेते हैं, मैं सबके गिफ्ट्स तो नहीं दिखा सकती थी क्योंकि मैं इकटाबाद से सीधा कराची पहुंच जाती, इतनी लंबी वीडियो बन जाती। तो अजी फिर केक कटिंग स्टार्ट हो गया और इन्होंने मिलके केक कटिंग किया, और मुझे समझ नहीं आती कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे फंक्शंस में सारी माएँ आगे ला के क्यों खड़ा कर देती हैं, आखिर क्यों। ये बच्चों का फंक्शन होता है हमेशा से, या किसी बड़े का होता है जब उनका कोई फंक्शन होता है। तो ये चीज़ मुझे इंतहाई नापसंद है। और छोटे छोटे बच्चे फिर इनकी माएँ पीछे से आवाज़ें मारती हैं जी इनको छुरी पकड़ाइए, इनका केक ही नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। कोशिश मेरी बहुत थी कि इन बच्चों को परां सुटूं, इधर उधर करूं, पर ना जी, ऐसे मुक्के बन के खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे इनके पाँव ज़मीन में धंसे रहते हैं। हम हिल जे ये बच्चे नहीं अपनी जगह से हिलते, इन्होंने इधर ही खड़े होना है और दूसरों को गुस्सा चढ़ाना है, जैसे कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। तो चलें आप इंजॉय करें और गिफ्ट्स देखें। ये शिरोज़ भाई ने गिफ्ट दिया नाज़ो को, और उनकी सासू माँ ने भी नाज़ो को रिंग गिफ्ट की। अब आप इंजॉय करें, आगे कुछ नहीं हुआ तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब हमें एक रूम मिला है खाली, जिसमें अनम, आयशा जी, मैं और सादिया की पिक्चर ले रही है ये बच्ची आयशा। और यहाँ पे पंखा लगाया, मैं आपको पंखा दिखाती हूँ। ओ आमना आमना आमना। तो अब हमें सुकून मिला है वैसे, थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा रेस्ट लेके। तो जी मैंने अपना केक खा लिया था, बहुत भूख लगी हुई थी। जब ऐसा कोई काम होता है तो बंदा लंच या डिनर का जो भी होता है टाइम, बंदा खाना नहीं खा सकता। तो मैंने केक खाया छुप छुप के बहुत सारा, क्योंकि क्रीम वगैरह मुझे पसंद नहीं। और फिर हम लोग चले छत पे डिनर के लिए, और बहुत मज़ा आया डिनर करने का। पर ये था कि ऊपर लाइट कम थी, हमें तो ठीक से नज़र आ रहा था, पर हमने जब वीडियो बनाई तो वीडियो में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने कहा थारे सारों के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए हमने डिनर किया था। क्योंकि हमेशा से ऐसे होता है कि जब भी खाने का टाइम होता है ना, तो बंदा भूल जाता है। तो ये हमारी जगह थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और गर्मा गर्म खाना था।
ठंडा रायता था और बहुत मज़ा आया। तो ये व्यू था जो हमें नज़र आ रहा था, क्योंकि रोशनी बहुत थी जब हम लोग डिनर कर रहे थे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी बना ली वीडियो और हम लोगों ने हाथ से खाना खाया। हाथ से खाना खाना अच्छी बात है। तो बस जी, हम लोगों ने किया डिनर और उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत खूबसूरत किस्म के डांस देखे। तो जी, फिर हम लोगों ने डांस इन्जॉय किया, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने सब ने। ये थी आयशा जो सुबह मुझे कही थी प्लीज़ मुझे खूबसूरत सा तैयार कर दें, तो ये वो डांस कर रही थी। इसने तो मस्त डांस करना होता था, वो भी नाजो की किसी भी फंक्शन पे। तो जी, ये स्टार्ट हुआ नाजो डांस। नाजो का डांस ऐसा होता है कि दिल जीत लेती हैं ये डांस करके। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।